तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं वाटर और वाटर का ये सेकंड सेक्शन होगा ठीक है इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने वाटर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया था ये सेकंड क्लास है कोशिश करेंगे आज खत्म हो जाए स्टार्ट करते हैं क्लास और सबसे पहले हम बात करेंगे टाइड के बारे में जिसे हम हिंदी में ज्वार भाटा कहते हैं ठीक है थीके? अच्छा टाइड सर्फ बहुत यूज की होगी ना घर पर लेकिन उस टाइड का मतलब नहीं पता होगा तो टाइड मतलब क्या होता है ज्वार भाटा देखो ज्वार भाटा एक्चुअल में होता क्या है तो समुद्र के जो समुद्र का जो पानी होता है जब वो पानी रूप से ऊपर उठता है और नीचे गिर करके पीछे वापस लौट जाता है तो इस प्रोसेस को हम ज्वार भाटा कहते हैं और ये जो प्रोसेस है ये दिन में कितनी बार होता है दो बार होता है मैम जी क्या बोली समझ नहीं आया समझो देखो मैंने कल आप लोगों को लहर समझाया था इसके पहले की क्लास में धारा समझाया था ठीक है तो लहर और धारा लहर में क्या हो रहा था कुछ ज्यादा ही हाइट हो जा रहा था धारा में क्या था धारा में जो हाइट है वो बहुत कम थी ठीक लहरे है लहरें जो हैं बहुत ज्यादा ऊपर जब चली जाएंगी तो ये सुनामी कहलाएंगी लेकिन ज्वार भाटा की कंडीशन जो है देखिए लहर क्या होगा दिन में कई बार आएगा इसका कोई गिनती नहीं है और धाराएं तो दिन भर चलती रहती हैं ठीक है वास्तविक रूप से धाराएं जो होती हैं कभी बंद ही नहीं होती है वो हमेशा चलती रहती है हर पानी में ज्वार भाटा क्या होता है ज्वार भाटा एक सिक्वेंस है एक कह सकते हैं कि एक तरीका होता है कि किस तरीके से वो पानी थोड़ा थोड़ा पहले ऊपर उठेगा और फिर डायरेक्ट ऐसे नीचे गिरता है और पूरे समुद्र को एकदम वीराना करके एकदम पानी पीछे लौट जाता है लेकिन लहर में पानी ऊपर तो उठता है नीचे भी गिरता है लेकिन उस तरीके से वो समुद्रों से पीछे नहीं हटता जिस तरीके से ज्वार भाटा के कंडीशन में होता है ठीक है तो हम सिंपल कह सकते हैं कि पानी का खूब तेजी से ऊपर उठना और फिर नीचे गिर करके समुद्रों से पीछे लौट जाना इस स्थिति को हम ज्वार भाटा कहते हैं और ये प्रोसेस जो है ये दिन में कितनी बार होता है दो बार होता है ठीक है ज्वार भाटा बनने का कारण क्या है इसका मेन रीजन क्या है तो अगर हम देखें तो इसका मेन जो कारण है वो है सूर्य और चंद्रमा इनके द्वारा लगाया गया प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल जो ये गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग करते हैं जो इनके अंदर एक तरीके से हम देखें जो पावर है ग्रेविटी का ठीक है ग्रेविटेशनल जो पुल है इनके अंदर जो खिंचाव है उसी की वजह से ये प्रोसेस होता है ठीक है जैसे मान लो पिताजी ने एक सुंदर सी फ्रॉक लाई ठीक है एक बहुत खूबसूरत सी फ्रॉक लाई उस फ्रॉक को देख करके आपका भी अट्रैक्शन बढ़ेगा और आपकी सिस्टर का भी अट्रैक्शन बढ़ेगा फिर क्या होगा फिर खिंचाव होगा दो अट्रैक्शन में है ना तो कहीं खिंचाव ज्यादा और कहीं खिंचाव कम होगा फ्रॉक है तो फटने की कंडीशन है ठीक लेकिन पानी के साथ तो पानी तो फट सकता नहीं तो उस पानी को देख करके खिंचाव होता है उस पानी सुंदरता देख करके मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ वास्तविक रूप से सुंदरता नहीं है पानी को देख करके खिंचाव होता है पृथ्वी में भी पृथ्वी खुद पानी को खींचे हुए है हमें खींचे हुए है हर चीज को खींचा हुआ है ठीक है बिल्कुल फ्रॉक आधा आधा हो जाएगा अगर हम देखे तो लेकिन पानी आधा आधा नहीं होगा पृथ्वी हम सबको अपनी तरफ खींचे हुए है तो सूर्य और चंद्रमा जो है ये जो है ये हमारे चीज़ों को जो हमारे कह सकते हैं पानी है वो हमें भी खींचता है लेकिन हम इतने छोटे हैं या कह सकते हैं कि हम हम इतने जा पानी की मात्रा क्या है पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है और वो बड़े आसानी से उन्हें खींच पाता है लेकिन हमारे कंडीशन में क्या हम बहुत हल्के हैं और गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी का इसलिए हमारे ऊपर ज़्यादा लगता है वो हमें ज़्यादा तेज़ी से खींच लेता है लेकिन पानी जो बहुत ज़्यादा है वो सूर्य और चंद्रमा इनके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पानी है एक ऊंचाई तक ऊपर उठेगा और जैसे ही थोड़ा सा चूंकि पृथ्वी घूम रही है सूर्य घूम रहा है चंद्रमा घूम रहा है तो ये घूमेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनका जो कह सकते हैं एंगल है वो चेंज होगा तो एंगल चेंज होगा तो फिर क्या होगा एंगल चेंज होगा तो जो पानी है वो वापस फिर से नीचे आ जाएगा ठीक है तो हमें क्या पता चला कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पान, पानी जो है वो ऊपर उठता है और जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है पानी नीचे गिर जाता है ठीक है आप देख सकते हो यहाँ पे दो कंडीशन बनती है अगर सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों इस तरीके से एक सीधे एंगल में है ठीक है तो इस कंडीशन में हाई टाइड आएगा क्या हाई आएगा हाई टाइड आएगा यानी कि उच्च ज्वार आएगा क्या आएगा उच्च ज्वार आएगा और जैसे ही सूर्य चंद्रमा यहाँ आते हैं तो इस कंडीशन में क्या आएगा इस कंडीशन में लो टाइड आएगा इस कंडीशन में क्या लो आएगा लो टाइड आएगा तो सिंपल हम कह सकते हैं कि जब 90 डिग्री के एंगल में होंगे ये सब कितने डिग्री के एंगल में होंगे 90 डिग्री के एंगल में होंगे सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तो बनता है लो टाइड क्या बनता है लो टाइड बनता है और जब ये स्ट्रेट एंगल बनाएंगे 180 अंश का कोड बनाएंगे तो उस टाइम पे कौन सा टाइड आता है हाई टाइड आता है क्या आता है हाई टाइड आता है क्लियर है आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे उसी बात को दोहराया गया है उच्च ज्वार कब आता है जब पानी अपने उच्चतम स्तर पर उठकर तट के अधिकांश हिस्सों को कवर कर लेता है तो इसे उच्च ज्वार कहते हैं और निम्न ज्वार क्या होता है कि जब पानी जो है ये निम्न स्तर तक ऊपर उठेगा और नीचे गिरेगा और कम तटों को घेरता है तो इसे हम निम्न ज्वार कहते हैं कंडीशन भी बता दिए सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब 90 डिग्री के एंगल में रहेंगे तो निम्न ज्वार आएगा और जब स्ट्रेट एंगल में रहेंगे तो उच्च ज्वार आता है ठीक है इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे हाई टाइड में आप देखेंगे पानी इस तरीके से बढ़ता है और वो तट के अधिकांश भाग को यहाँ तक के भाग को मतलब बहुत ज़्यादा भाग को ये क्या कर रहा है कवर कर रहा है ये सब बीच का ही पूरा क्षेत्र है और यहाँ तक कवर कर रहा है लेकिन लो टाइड में क्या हो रहा है लो टाइड में पानी बढ़ रहा है और बीच के सिर्फ इतने ही क्षेत्र को वो क्या कर रहा है कवर कर रहा है पहले लोग बीच पे यहाँ बैठते थे ठीक है यहाँ बैठे थे यहाँ पे बैठ करके क्या कर रहे थे समुद्र को इन्जॉय कर रहे थे पता चला उसी टाइम पे टाइड आने वाला है लोगों को हटा दिया गया लोग हट गए लो टाइड आया तो यहाँ तक पानी चढ़ाया अब सोचो अगर ये लोग रहते तो क्या इन्हें क्षति नहीं पहुँचती बिल्कुल पहुँचता ये लोग पानी से डूब जाते बीमार पड़ जाते हैं और सही पूछा जाए तो बहुत सारे लोग बह भी जाते हैं ठीक है बीमार पड़ने की कंडीशन नहीं है मैं मजाक कर रही थी अभी देखो हाई टाइड में क्या होता है हाई टाइड में तो पानी का फ्लो और भी ज्यादा होता तो फिर इनको नुकसान होता है ना तो हम सिंपल कह सकते हैं इसीलिए हाई टाइड और लो टाइड की जब कंडीशन बनती है सिंपल जानो जब टाइड की कंडीशन बनती है तो उस टाइम पर लोगों को बीच से हटा दिया जाता है उसका मेन कारण है कि पानी जो है वो तट तक आता है पानी जो है वो कहाँ तक आएगा समुद्रों के तटों से अंदर चला आता है क्लियर है चलिए आगे चला जाएगा इस तरीके से आप देख सकते हैं देखो ये टाइड है इस कंडीशन में आप देख रहे पानी आपको उठता हुआ दिख रहा है पानी आपको उठता हुआ दिख रहा है लेकिन उन लहरों की तरह नहीं जैसे मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को दिखाया था ठीक है पानी आपको तेज धाराओं के साथ बहते हुए आगे दिख रहा है लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे मैंने आपको वहां पे दिखाया था और इस टाइम पे पानी में आप देख सकते हो एक अलग तरह की हलचल हो रही है लेकिन हाई टाइड के कंपेरिजन में क्या है इसमें हलचल कुछ कम है क्लियर है चलो तो अदर टू टाइप्स हम कह सकते हैं दो और प्रकार हैं जिन्हें हम आ, टाइड के दो और प्रकार हैं जिन्हें हम दो अन्य नाम से जानते हैं स्प्रिंग टाइड कहते हैं जिसे हम बसंत ज्वार कहते हैं बसंत ज्वार क्या होता है पूर्ण पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में होते हैं वास्तविक रूप से यही कारण है जिसकी वजह से हाई टाइड आता है उच्च ज्वार आता है ठीक है उच्च ज्वार आता है तो क्या हम उच्च ज्वार को वसंत ज्वार कह सकते हैं बिल्कुल कह सकते हैं ठीक है थीके? और इस ज्वार में क्या होता है जो पानी होता है वो सबसे अधिक ऊंचाई तक उठता है और पीछे समुद्रों में वापस चला जाता है ठीक है तो वैसे ज्वार को हम क्या कहेंगे बसंत ज्वार कहेंगे याद रखेंगे सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में है तो स्प्रिंग टाइड कहलाएगा बसंत ज्वार कहलाएगा ठीक है ये कंडीशन बनती है अच्छा यहाँ पर सन है यहाँ पर सन है तो मून यहां भी हो सकता है पृथ्वी हो सकती है ठीक है ये भी हो सकता है कि सन है फिर क्या है अर्थ है और फिर क्या है मून है ये भी कंडीशन बन सकती है इन तीनों ही स्थितियों में कौन सा टाइड आएगा स्प्रिंग टाइड आएगा या हम कह सकते हैं उच्च ज्वार आएगा क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्या है नीप टाइड है नीप टाइड क्या है जिसे हम कम ज्वार कहते हैं या इसे हम निम्न ज्वार भी कह सकते हैं तो लिखा गया है जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी तिमाही में होता है तो समुद्र का पानी तिरछे विपरीत दिशा में सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से आकर्षित होता है ठीक है सिंपल कहने का मतलब है देखो आखिरी तिमाही और तीसरी तिमाही ये सब समझ में नहीं आएगा सिंपल आप जानो कि जब ये 90 डिग्री के एंगल पर रहेंगे 90 डिग्री के एंगल पे रहेंगे तो इस कंडीशन में क्या होता है सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से आकर्षित होता है है वो पानी जिसके एक स्वरूप जो ज्वार वो क्या होता है कम आता है ठीक है और इसे हम कौन सा ज्वार कहेंगे नीप ज्वार कहते हैं यहाँ से एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है वो ये है कि बसंत ज्वार जो है वो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आता है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही क्या आता है ज्वार क्लियर है।, है आप देख सकते हो ये दिया गया है नीप टाइड का नीप टाइड का क्या है इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे मून है ठीक है यहाँ पे क्या है अर्थ है और यहाँ पे क्या है सन है इस कंडीशन में ये 90 डिग्री का कोड बना रहे हैं और अगर मून यहाँ ना होकर के यहाँ होता तब भी ये कितने डिग्री का एंगल बनाते रहे थे नाइन्टी डिग्री का एंगल बना रहे थे ठीक है तो इस कंडीशन में भी क्या होता है जो पानी है वो निम्न स्तर तक उठता है तो इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं निम्न ज्वार ठीक है चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अगले स्लाइड पर चलेंगे और जहां पर हम बात करेंगे ओशियन करेंट के बारे में समुद्री धाराओं के बारे में बात करेंगे समुद्री धाराएं क्या है देखो धारा तो हम जान गए थे पढ़ लिए थे कली के क्लास में कि धाराएं क्या होती लेकिन यहां पर एक चीज में आपको बहुत सिंपल सा बता देना चाहती हूं कि हमें पता है कि जब हवाएं गर्म होती हैं तो ऊपर उठती हैं और उनकी जगह ठंडी हवाएं आती हैं ठीक है यह प्रोसेस लगातार चलता रहता है वैसे ही प्रोसेस ये पानी में भी चलता रहता है कैसे ध्यान से देखेंगे महासागरी धाराएं समुद्र की सतह पर निश्चित दिशाओं में निरंतर बहने वाली जल की धाराएं हैं। ये हमेशा एक निश्चित दिशा में ही बहती है ये धाराएं महासागरी धारा जो है गर्म और ठंडी दोनों हो सकती है आमतौर पर गर्म महासागरी धारा भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होती है क्यों भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होगी क्योंकि जो सन है उसका लाइट भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा पड़ता है जिसकी वजह से पानी जो है सबसे ज्यादा गर्म होगा तो जब पानी यहाँ की गर्म होंगी तो ये जाएगा पानी गर्म होकर के ध्रुवों की तरफ ठीक है ये हमारा बना दिया मान लीजिए ग्लोब यहां पर पूरा हीट वाटर है पानी सनलाइट से गर्म हुआ अब ये कहाँ जाएगा ध्रुवों की तरफ कहा जाएगा ध्रुवों की तरफ जाएगा ठीक है गर्म पानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ ठीक आगे सुनो और जो ठंडी धारा होती हैं जो कोल्ड करंट होती हैं ये कैरी करती हैं वाटर, पानी को कैरी करती हैं कहाँ से ध्रुवों से लेकर के ध्रुवों से लाती हैं कहाँ पर हायर टाइड्स की तरफ यानी कि जो हमारे निचले अक्षांश हैं उनकी तरफ ये लेकर के आती हैं हायर लैटीट्यूड से यानी कि उच्च अक्षांशों से लेकर के ये पानी को लो लेटीट्यूड्स की तरफ लाती हैं मतलब अब 90 डिग्री है तो हायर अच्छांश है ना जीरो डिग्री की तरफ लेकर के जाएगी तो ये लो ही है तो निचला अच्छांश ही तो कहलाएगा ठीक है तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जो ठंडी जलधाराएँ होती हैं मैं इसे थोड़ा ब्लू से आपको दिखाऊंगी जो ठंडी जलधाराएं होती हैं वो ध्रुवों से कहाँ चलती हैं भूमध्य रेखा की तरफ ध्रुवों से कहाँ चलेंगी भूमध्य रेखा की तरफ चलेंगी क्लियर है ये पॉइंट बहुत ही आसान आसान से भाषा में बताने की कोशिश कर रहे हैं स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ले सकते हो तो ले लीजिएगा देखो जितने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है वो सब ठंडी धाराएं हैं और जितने ऑरेंज कलर से येलो कलर से एरो बने हुए हैं वो सब कैसी धाराएं है? धा हैं गर्म धाराएं हैं ठीक है तो आप देख सकते हो अगर इस एरो को ध्यान से देखो तो जितनी ब्लू वाली धाराएं हैं वो आपके ये जीरो डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा की तरफ जाती हुई दिखाई देंगी और जितनी ऑरेंज कलर की आपको दिख रही होंगी एरो वो आपको 90 डिग्री की तरफ जाते हुए दिख रही होंगी दिख रही हैं तो हमने हमने क्या पढ़ा अभी यही तो पढ़ा कि जो गर्म धाराएँ हैं वो भूमध्य रेखा से कहाँ जाएंगी ध्रुवों की तरफ और जो ठंडी धाराएँ हैं वो ध्रुवों से कहाँ आएंगी भूमध्य रेखा की तरफ आएंगी तो हमें यहाँ से करना क्या है हमें यहाँ से नाम लिखना है क्या नाम लिखना है कैलिफोर्निया की धारा ठंडी जलधारा ठीक है कनारी की धारा ठंडी जलधारा लेब्रोडोर की धारा ठंडी जलधारा और ये ओयोशियो की धारा ठंडी जलधारा ठीक है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा ठंडी जलधारा बेगुअला धारा ठंडी जलधारा पेरू या हमबोल्ट की धारा ठंडी जल धारा ठीक है क्लियर है तो ये तो ठंडी जल धारा हो गया ठीक है बिल्कुल ये अगर हम देखें तो ये उल्टा हो रहा है पानी गर्म होकर के ठंड अरे भाई एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप देखो ना क्या होता है आपने एक स्टोव रखा है ठीक है उस पर आपने एक पतीला रख के पानी को गर्म करने के लिए रख दिया ठीक है पानी को गर्म करने के लिए रख दिया क्या होता है जो आग है जो आग है वो क्या होगा गर्म करेगा पानी को नीचे वाला पानी पहले गर्म होगा अब ये पानी रिप्लेसमेंट करता है अपने ऊपर चला जाएगा और ठंडे पानी को नीचे भेज देगा बस बिल्कुल तो समझ गए तो अच्छी बात है ठीक है मतलब पानी यहाँ गर्म हो रहा है फिर ये ठंडे पानी की जगह रिप्लेस हो रहा है और ठंडे पानी यहाँ पे गर्म होने के लिए आएगा ठीक है तो ये कंडीशन बनी रहेगी और बाकी जो रेड कलर से लिखा गया है वो गर्म जलधारा को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑरेंज कलर वाला जो एरो दिख रहा है वो गर्म जलधारा है जैसे मोजाम्बिया की धारा गर्म जलधारा है सोमालिया की धारा गर्म जलधारा है ठीक है और यहाँ पे आप देखो इस तरीके से सुसीमा की धारा गर्म जल धारा है ठीक है गल्फ स्ट्रीम पूछा जाता है एग्जाम में मैक्सिमम टाइम तो गल्फ स्ट्रीम लिख लेंगे गर्म जल धारा है ठीक है तो शायद अब इसे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है आप एरो से समझ सकते हो और नाम के साथ वो एरो दिया गया है तो उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर पाओगे ठीक है चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और यहाँ पे हम समुद्री धाराओं के बारे में बात कर रहे हैं तो आगे बात करते हैं महासागरी धारा क्षेत्र की तापमान स्थितियों को प्रभावित करती है ये जो धाराएं होती हैं ठीक है द ओसियन करंट इन्फ्लुएंस द टम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया जो जो टेम्परेचर होता है किसी भी क्षेत्र का जो तापमान होता है उनकी स्थिति को प्रभावित करने का काम कौन करता है ये महासागरी धाराएं करती हैं जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया गल्फ स्ट्रीम की धारा गर्म जल धारा है और ये गल गर्म जलधारा अगर आप ध्यान से देखो तो ये धीरे धीरे इस तरीके से जाएगी और ये यूरोप से होते हुए आगे बढ़ती है कहाँ से होते आगे बढ़ती है यूरोप से होते हुए ये हमारे 90 डिग्री की तरफ बढ़ती है तो यूरोप को ये गर्म करने का काम करती है क्या करती है गर्म करने का काम करती है तो इसीलिए गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल कहा जाता है क्या कहा जाता है यूरोप का कंबल कहा जाता है तो वो जो गर्म जलधारा है वो प्रभावित कर रही है ना टेम्परेचर को अगर सोचो वो गर्म जलधारा बिल्कुल ना आती तो तापमान और कितना ज्यादा ठंडा हो सकता था है ना देखो आगे लिखा गया है गर्म धाराएं भूमि की सतह पर गर्म तापमान लाती हैं जो गर्म धाराएं हैं वो एरिया को गर्म करेंगी और जो ठंडी धाराएं रहेंगी वो क्या करेंगी क्षेत्र को ठंडा करने का काम करती हैं ऐसी भी कंडीशन बनती है जहां पर ये दोनों मिल जाती हैं बिल्कुल आप यहां देख सकते हो सुसीमा की धारा जा रही है और इधर से ओयो की धारा आ रही है दोनों मिल रही हैं बीच में तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ठंडा और गर्म मिलने पर ठंडा पानी और गर्म पानी ठंडी धाराएं और गर्म धारा मिलने पर यहाँ पर मछली का सर्वाधिक उत्पादन होता है मछली सर्वाधिक पकड़ी जाती है ठीक है इसीलिए ये मत्स्य के क्षेत्र से अगर हम देखें फिशिंग के क्षेत्र से देखें तो बहुत ही बेस्ट जगह होता है ठीक है और इन दोनों करंट के मिलने से गर्म एंड ठंडा जो करंट है इनके मिलने से क्या होता है कोहरे जैसा मौसम हो जाता है ठीक है और जब कोहरे जैसा मौसम होगा, तो धुंध हो जाएगा जैसे हमारे यहाँ सर्दियों में हो जाता है सामने का कुछ नहीं देखता तो जब सामने का नहीं दिखेगा तो आ, आगे हम गाड़ी चला पाएंगे बिल्कुल नहीं नेविगेशन नहीं कर पाएंगे यानी कि हम समुद्रों में अपने जहाजों को ले नहीं जा सकते हैं उस रास्ते क्लियर है चलिए तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है यही स्थिति बन सकती है यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की धारा मिल रही है जिसकी वजह से यहाँ पर उस तरह का मौसम बनने की स्थिति होती है ठीक है आगे चलते हैं फिर से सारे पॉइंट्स को यहाँ पे हम रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे लिखा गया है ऑसियन वाटर के बारे में जो स्लाइन वाटर को रिप्रेजेंट करता है तो एप्रॉक्स की बात करें तो नाइन्टी है बट अगर इसका एस्टिमेट हम ले एक्चुअल डेटा ले तो नाइन्टी सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट है ठीक है और फ्रेश वाटर कितना है ओनली टू पॉइंट फाइव परसेंट हमारे अर्थ पर फ्रेश वाटर है जिसमें ओनली हम कह सकते हैं वन परसेंट वाटर हम यूज कर पाते हैं ठीक है थीके? जो हमारे पास फ्रेश वाटर है क्योंकि उसका सेवेंटी परसेंट जो है एज अ आइस सीट एंड ग्लेशियर के रूप में हमें देखने को मिलता है ठीक है क्योंकि मैक्सिमम जो जगह है वो अंटार्कटिका एंड ग्रीन लैंड है जहाँ पर ये पानी जो फ्रेश वाटर है वो एक आइस शीट के रूप में हमें मिलेगा और जो बच्चे कुचे हैं उसका वही तीस परसेंट हमारे भूजल के रूप में हमें मिल जाता है भूजल के रूप में मिल जाता है जिसका हम क्या कर पाते हैं अपने लाइफ में यूज कर पाते हैं लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो सिर्फ वन हमारे पास है ठीक है अच्छा अगर हम देखें तो फ्रेश वाटर के जो स्रोत क्या हो सकते हैं मुख्य रूप से हम इन्हें से प्राप्त कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो सतही अपवाह है जो सरफेस रन ऑफ है एंड ग्राउंड वाटर है ठीक है समझ में आया तो सतही अपवाह जो कह सकते हैं कि हमें नदी हो गया झील हो गया उसके तौर पे हम देख सकते हैं और जो भूजल है ग्राउंड वाटर है उसके तौर पर हम मीठे पानी को प्राप्त कर सकते हैं एक बार फिर से मैंने इस चार्ट को लगा दिया है आप लोग देख सकते हैं नाइन्टी सेवन पॉइंट थ्री परसेंट ओसन में है ठीक है फिर टू परसेंट इसका अगर हम देखें तो ये आइस कैप्स के रूप में है ग्राउंड वाटर में पॉइंट सिक्स एट परसेंट है फ्रेश वाटर जी दसमलव जीरो जीरो नौ परसेंट है तो इस तरीके से पूरा एक डेटा दिया गया है कि कितना परसेंट पानी जो है वो हमें शुद्ध मिलता है ताजा पानी मिलता है और कितना पानी जो है वो हमें समुद्रों में मिलता है अच्छा जो आइस सीट है आइस कैप्स हैं वो गलते हैं ठीक है पिघलते हैं पिघल करके नदी का रूप लेंगे और नदी फिर कहाँ चली जाएगी समुद्र में ठीक है समुद्र में चली गई तो जब तक हम नदी के रूप में वो पानी था हमने थोड़ा बहुत यूज कर लिया बाकी फिर वो समुद्रों में चली गई फिर क्या हुआ वाटर साइकिल हुआ फिर पहाड़ों पर वर्षा हुई हिमनद बना और फिर वो नदी के रूप में निकला ठीक है मतलब हिमनद और समुद्र दोनों के कंडीशन में हम पानी का यूज नहीं कर पा रहे थे वो मीठा पानी ही था मतलब जब निकला जब बारिश के तौर पर आया और आइस कैप के रूप में वो जब ना तब भी वो मीठा पानी था जब वो समुद्रों में मिल रहा है तब भी वो मीठा पानी मिलने के बाद तो वो खारा हो रहा है ना

जल एक नवीकरण संसाधन है इस चीज को हमेशा याद रखिएगा ठीक है और जो पानी है वो हाइड्रोलॉजिकल चक्र के भीतर घूमता रहता है जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं उसी को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के नाम से भी जानता जाना जाता है अगर एग्जाम में ये शब्द आपको मिल जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या फिर वाटर साइकिल दोनों को ही हम क्या कहेंगे जल चक्र कहते हैं और जल चक्र का पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है कि किस तरीके से वो पानी के तौर पे रहता है फिर इसका वाष्पीकरण होता है वाष्पीकरण होने के बाद संघनन होता है संघनन होने के बाद वर्षण होता है और वर्षण के बाद फिर से ये पानी के रूप में हमें पृथ्वी पर देखने को मिलता है ठीक है मीठे पानी के तीन संसाधन कौन कौन से वर्षा सबसे पहला और मुख्य संसाधन है इस चीज को याद रखेंगे अगर वर्षा ना होना अगर पानी ना बारिश ना होना तो जो मान लो समुद्रों से पानी निकल रहा है सॉरी नदियों से पानी निकल रहा है और समुद्रों में मिले जा रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ग्लेशियर तो पूरा खत्म हो जाएगा क्यों क्योंकि बारिश तो हुआ नहीं तो ग्लेशियर बनेगा कैसे पानी बरस रहा है हिमनद के रूप में या किसी भी रूप में तभी तो वो ग्लेशियर में बन रहा है बारिश ही नहीं हुई ग्लेशियर नहीं बना ग्लेशियर खत्म नदी का पानी सब समुद्रों में चला गया नदी खत्म समुद्र का पानी हम पी नहीं सकते अब सारा पानी समुद्र में आ गया तो बताओ सबसे मेन चीज क्या है मीठे पानी को प्राप्त करने का वो है वर्षा इसी वर्षा के कारण हमें सरफेस वाटर देखने को मिलता है जो नदियां झीलों में हमें देखने को मिलता है ठीक है और फिर यही ग्राउंड वाटर के तौर पे भी हमें ये पानी मिलता है ठीक है देखो इसका सबसे बड़ा बड़ा कारण ये है ना कि धीरे धीरे हम हर जगह फर्श बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है इसका लेवल डाउन जा रहा है सड़क बन गए लोगों ने अपने घर के बाहर ईंटे लगा लिए नालियाँ बना दी ठीक है मतलब हर जगह फर्श करने पर लगे नाली पहले कच्ची हुआ करती थी पानी क्या होता था सूखा जाता था ज़मीन के द्वारा नीचे उसे लेते थे लोगों के घर के बाहर फर्श नहीं होता था बारिश होता था पानी वहाँ से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता था ठीक है सड़क इतने नहीं थे जो मैक्सिमम एरिया को कवर करते थे तो वहाँ से भी पानी को एक तरीके से नीचे क्या किया जाता था ज़मीन के द्वारा सोख लिया जाता था तो रिचार्ज होता था लेकिन धीरे धीरे हम हर एरिया को कवर करने पे लगे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पानी जो है वो ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा ठीक है पानी के कमर कमी के कारण क्या है तो पानी के कमी के कारण को अगर हम देखें तो आमतौर पर कम वर्षा या सूखा वाला जो क्षेत्र है उससे जुड़ा हुआ है ठीक है चलिए आगे पढ़ते हैं पानी की कमी के अन्य कारण क्या है बढ़ती हुई जनसंख्या जाहिर सी बात है जनसंख्या बढ़ जा रही है दिन दिन ब दिन मैक्सिमम वाटर चाहिए सबको पीने के लिए नहाने के लिए कपड़े धोने के लिए ठीक है और आगे देखे कृषि के क्षेत्र में मैक्सिमम पानी चाहिए ठीक है और जो शुष्क मौसम है जो सूखा मौसम है वो भी पानी की कमी का क्या है कारण है देखो सब एक सिक्के के दो पहलू है एक दूसरे से जुड़ेंगे बारिश नहीं हो रहा है तभी शुष्क मौसम है और शुष्क मौसम है तभी नहीं बारिश हो रहा है ठीक है तो एक सिक्के के दो पहलू हैं ठीक है थीके? तो कह सकते हैं कि जो ड्राई सीजन होता है ये भी क्या करता है एक तरीके से पानी की कमी को रखता है और जो ड्राई सीजन एग्रीकल्चर है ना ये भी पानी को पूरी तरीके से क्या करते हैं प्रभावित करते हैं ठीक है नेक्स्ट उच्च खाद उत्पादन की सुविधा के लिए सिंचाई के उद्देश्यों से अधिक पानी की आवश्यकता हम चाहते हैं कि हम मैक्सिमम क्या कर सके जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं उससे हम हाई क्वालिटी का एंड कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी हम उनसे प्राप्त कर सकें ठीक है दूसरी चीज हम ये चाहते हैं कि जो बहुफिस बहुफसली एच वाई वी हाई एल्डिंग जो कह सकते हैं सीड्स होते हैं उनको हम प्रयोग करते हैं जिसकी वजह से हमें ज़्यादा उत्पादन चाहिए तो ज़्यादा उत्पादन में ज़्यादा पानी की जरूरत होती है ठीक है शहरीकरण हो रहा है लोग घर बनवा रहे हैं सड़क बनवा रहे हैं सब में पानी को वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्ट तब कहते हैं जब उनसे कुछ उनको मिलता वेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से हम कह सकते हैं एंड साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है औद्योगिक बढ़ रहा है जिसके कारण भी पानी की मात्रा दिन ब दिन वहां पे मांग हो रही है और मांग हो रही है तो पानी की कमी हो रही है ठीक है विभिन्न सामाजिक समूह के बीच पानी की असमान पहुंच है पानी तो है लेकिन हम अगर देखें तो जो हमारा सोशल ग्रुप है हम डिफरेंट तरीके से पानी का क्या कर रहे हैं वितरण कर पा रहे हैं कहने का सेंस ये है कि जिस तरीके से हर जगह जनसंख्या समान रूप से नहीं रहती वैसे हर जगह समान रूप से पानी की उपलब्धता भी नहीं है ठीक है और आगे हम देखेंगे कि पानी की गुणवत्ता किस तरीके से खराब हो रहा है किस तरीके से पानी प्रदूषित हो रहा है तो कुछ हमारे डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज होते हैं जो कचरे होते हैं वो पानी को खराब कर रहे हैं जो रासायनिक खाद है जिनका प्रयोग हम अपने खेतों में करते हैं वो पानी को खराब कर रहे हैं कृषि में प्रयुक्त कीटनाशक जो हम प्रयोग करते हैं वो भी पानी को क्या करते हैं प्रदूषित करने का काम करते हैं उद्योगियों द्वारा पानी का अत्यधिक उपयोग जिसे चलाने के लिए जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए भी पानी की आवश्यकता पड़ती है उद्योग लगाए हैं उस उद्योग को चलाने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो पानी को कैसे ले आएंगे विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए पानी का प्रयोग करेंगे अगर उस फैक्ट्री में कुछ ऐसा सामान बन रहा है जैसे मान लीजिए कपड़े बन रहे हैं तो भी पानी की अधिक मात्रा जरूरी है मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन में कोई भी ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पर पानी की जरूरत कम हो ठीक है एंड शहरी क्षेत्रों में भी पानी का अत्यधिक दोहन होता है बिल्कुल ये सही बात है शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण इलाकों के कंपेरिजन में पानी जो है वो अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है चलो तो अभी हमें और क्या पढ़ना है भूजल संसाधनों के अत्यधिक दोहन के दुष्परिणाम क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं तो अगर हम इस तरीके से पानी को प्रयोग करते रहे ना तो सोचो आप क्या क्या हो सकता है बहुत नॉर्मल सी चीज है कि जो जमीन के नीचे का पानी है ना वो और नीचे चला जाएगा ठीक है अभी गर्मियां शुरू हो रही हैं तो देखिएगा फिर पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा ठीक है तो ये सारे सेक्शन हम लोग कल कवर कर लेंगे कल ये पूरा खत्म कर दिया जाएगा पढ़ करके ठीक है नदी घाटी परियोजना वगैरह भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है दस बारह स्लाइड है ठीक है तो इसको हम कल की क्लास में रखेंगे मिलते हैं कल आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो मेहनत करो